हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वैसे तो केंद्र सरकार के नागरिकता संशोधन कानून लाने पर जोरदार विरोध प्रदर्शन कर रही हैं, लेकिन वहीं उन्होंने लेफ्ट पार्टीज के बुलाए गए भारत बंद का पुरजोर विरोध किया और उन्होंने लेफ्ट पार्टीज पर हमला किया। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने 8 जनवरी को बुलाए गए लेफ्ट पार्टियों के बंद पर तीखी आलोचना की है। ममता बनर्जी ने कहा कि वो बंद का आह्वान करके बसों में बम फेंककर सस्ता प्रचार करना चाहते हैं, लेकिन इस प्रचार को हासिल करने के बजाय राजनीतिक मौत ज्यादा बेहतर है। ममता बनर्जी ने कहा कि सीपीआईएम की कोई विचारधारा नहीं है और ये दादागिरी है, आंदोलन नहीं है। ममता ने कहा कि वाम दलों ने जो बंद बुलाया है उसे जनता पहले ही खारिज कर चुकी है, लेफ्ट पार्टियां सिर्फ सस्ता प्रचार हासिल करना चाहती है। ममता बनर्जी ने सीपीआईएम पर भी निशाना साधा और कहा कि इनकी कोई विचारधारा नहीं है। रेलवे पटरियों पर बम लगाना गुंडागर्दी ही इनका काम है। आंदोलन के नाम पर यात्रियों की पिटाई की जा रही है और पथराव किया जा रहा है, ये दादागिरी है, आंदोलन नहीं है, मैं इसकी निंदा करती हूँ। लेकिन ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि वो बंद के मकसद का समर्थन करती हैं, लेकिन उनकी पार्टी और सरकार किसी भी तरह के बंद के विरोध में है। गौरतलब है कि लेफ्ट पार्टीज का ये बंद केंद्र की आर्थिक नीतियों, सीएए और प्रस्तावित राष्ट्रव्यापी एनआरसी के विरोध में बुलाया गया है। ममता ने कहा, हम बंगाल में किसी तरह के बंद की इजाजत नहीं देंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।